त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम श्री गुरुवे नमः। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, जिस ब्रह्म की आपने व्याख्या की है वह ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अंतकाल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं, आप मुझे इन गूढ़ रहस्यों को समझाएं। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिसका कभी भी और किसी भी काल में नाश नहीं होता वही ब्रह्म आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा। प्राणी की आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों में काम भाव जागृत करने वाले यज्ञ दान और हवन आदि के लिए जो द्रव्यादि का व्यय किया जाता है वही कर्म है। मैं पंचभूत तत्वों का अविनाशी करता हूँ, इसलिए मेरा नाम अधिभूत है। प्राणियों के साथ जो होनी अनहोनी होती है उसका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम अद्वैत है। हे कौन्तेय, प्राणियों की देह में मैं ही अधियज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है मेरे दिव्य धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरणावस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले समय में उसी की प्राप्ति होती है। अतः हे पार्थ, तू नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जो प्राणी मेरा नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक अनादि अंतर्यामी भास्कर समान तथा सच्चिदानंद रूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करके चित्त को हृदय में एकाग्र करके तथा निज सुखों को मस्तक में स्थिर करके योग साधना द्वारा प्रणवाक्षर को ध्वनित करता हुआ अपने देह का परित्याग करता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक और अन्य लोगों में प्राणियों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ, एक मार्ग ज्योतिर्मय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि जिन शुक्ल पक्ष हैं, सूर्य जिन छह माह में उत्तरायण में होता है वह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौटकर नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायन कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम रात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौटकर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पार्थ, शुक्ल व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग है। जो योग निष्ठ प्राणी तत्वतः इन मार्गों को जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है, वह आडंबरों व काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू निरंतर सम भाव रखते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्वतः मुझे जान लेता है वह वेद पठन यज्ञ तप दानादि से प्राप्त पुण्य फलों की कामना कभी नहीं करता, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। आठवें अध्याय का मार्ग। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसके एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब वह कह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू हंसा क्यों है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी, तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब करीब बोली, अरे ब्राह्मण, तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है।
क्या यह कभी सुना है कि पराए पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपने संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही पर मैंने एक ना माना। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया, यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरा। खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को एक भटियाले ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर ना ले। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांधे, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सका। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ बड़ी कीचड़ थी, फंस गया, ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म हो गए। तब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहना तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे शरीर के कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकली। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसकी देह देवदेही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठ वह वैकुंठ गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु की गीता पाठी था, उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देव देही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण जी ने श्री गीता जी का पाठ करने शुरू किया। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।